नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर धौलपुर से है। धौलपुर जिले में आज ग्राम विकास अधिकारियों ने लंबित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारियों ने काली शर्ट टी शर्ट पहनकर गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान आंदोलनरत ग्राम विकास अधिकारी संघ के 1 अक्टूबर 2021 को किए गए समझौते में 15 नवंबर तक मांगों तक सकारात्मक आदेश जारी करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया था। उसके पश्चात निर्धारित समय अवधि में आदेश जारी नहीं करने पर संगठन द्वारा माह दिसंबर में पुनः आंदोलन किया गया, जिसमें संगठन के साथ 11 दिसंबर 2021 को मंत्री के द्वारा स्वहस्तारित समझौता करते हुए 30 से 45 दिवस में महत्वपूर्ण मांगों पर आदेश जारी करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया था। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के समझौते को 9 माह और मंत्री के समझौते को 6 माह से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण मांगों पर आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस समय अवधि में संगठन के पद अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और विभाग को बार बार ज्ञापन प्रेषित किए गए, लेकिन सरकार मांगों को दरकिनार कर रही है। ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगों को लेकर हुए समझौतों को लागू नहीं किया गया तो प्रदेश के सभी ग्राम विकास अधिकारी सड़क पर आंदोलन को मजबूर होंगे। संगठन द्वारा 30 जुलाई से संपूर्ण प्रदेश में वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी। मांगे हैं ग्राम विकास संगठन की और 1 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में समझौता बना था। उसके बाद 11 दिसंबर को पंचायत राज मंत्री महोदय के समक्ष समझौता हुआ था, जिस पर पंचायत राज मंत्री हस्ताक्षर किए थे और वो समझौता आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए मजबूरन होकर के संगठन को ये आंदोलन का कार्य करना पड़ा है और हमारी विशेषकर मांग है कि स्वच्छ जिला स्थानक नीति लागू करना और 3600 ग्रेड पे लागू करना। आज ऐसी 1100 की मांगे हैं, शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया। प्रदेश संयुक्त मंत्री राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 11 सितंबर 2021 को लागू हुए समझौते और 11 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्री महोदय से हुए समझौते दोनों राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के आज तक आदेश प्रसारित नहीं हुए, इसलिए पूरे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों 33 जिलों में आज वादा खिलाफी आंदोलन के रूप में रैली निकाली जा रही है, जिसका हमारे प्रथम चरण में 30 जून से हमने आंदोलन का आगाज किया था। आज 11 जुलाई को हम सभी सरकारी ग्रुपों से लेफ्ट हो गए और हमने एक रैली, विशाल रैली सभी जिलों में निकाली है। इसके बाद हम 16 जुलाई को प्रत्येक प्रतिनिधियों को, विधायक महोदय, जिला प्रमुख महोदय, सरकार को तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम ज्ञापन देंगे। इसके बाद फिर भी सरकार हमारी आदेश प्रसारित नहीं करती है तो 21 जुलाई को जयपुर में महा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारी भाग लेंगे। फिर भी आदेश जारी नहीं होते हैं तो उग्र आंदोलन।